तो फ्रेंड्स, आज मैं एक और रेसिपी लेके आया हूँ। वो रेसिपी जो है चिकन कबाब। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा चिकन है और एक अंडा लिया हूँ और ये चिकन कबाब पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स आगे का प्रोसेस। ये फ्रेंड्स, ये मैं अब ले रहा हूँ हमारा ये पाउडर। अब मैं दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और लास्ट में दूंगी अंडा। मैं इसको मिक्स कर दूंगी। सो देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरह से मिक्स कर दिया है। आप लोग चाहे तो इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं, लेमन भी, लेकिन मैंने नहीं डाला हूँ फ्रेंड्स। अब हम इसको रख देंगे आधा घंटे के लिए सेट होने के लिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना बालकनी गार्डन से लिया हूँ, इसका मैं चटनी बनाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चटनी के लिए ग्रीन चिल्ली ले लिया हूँ, धनिया ले लिया हूँ और ये टोमेटो को इस तरह से जला दिया हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, मेरा चटनी बन के रेडी है धनिया का और मेरा चिकन भी मैरिनेट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, मेरा ऑयल गर्म हो चुके हैं, मैंने पहले पैन बिठा दिया था। अब हम यहाँ पे ये सब जो भी है एक एक करके इस तरह से लगा देंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चिकन लगा दिया हूँ। अब मैं ये गैस का फ्लेम मीडियम करता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग को चलाना है उल्टा सीधा करके इस तरह से। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी को इस तरह से चला दिए हैं। गैस का फ्लेम जो है ऑफ डाउन करते रहना है फ्रेंड्स। देखिए चिकन कुक हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कबाब पक चुके हैं, अब हम इसको निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा कबाब का फाइनल लुक। अगर आप लोग को पसंद आया मेरा रेसिपी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।